यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चार शातिर लुटेरों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह बुलंदशहर से एनसीआर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये हैं बुलंदशहर के रहने वाले सुनील, प्रशांत, मनोज और शाहिद, जिनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के माने तो चारों युवक शातिर लुटेरे हैं और आज एनसीआर में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब शाहिद दावा कर रहा है कि उसकी रंजिश चल रही थी और उसने अपनी सुरक्षा के लिए इतनी भारी मात्रा में हथियार रखे थे। वहीं पुलिस की माने तो ये शातिर लुटेरे एनसीआर में किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। हालांकि बरामद इन हथियारों को देखकर पुलिस इस आशंका से भी इनकार नहीं कर रही कि आगामी लोकसभा चुनाव में इन हथियारों का प्रयोग किया जा सकता था। घटना को अंजाम देने जा रहे थे, बड़ी मात्रा में हथियार भी इनके पास से बरामद हुए। कौन ये लोग हैं और किस तरह की घटना को अंजाम देने जा रहे थे? इधर कल सुबह हमारा डीजीपी सर का डीसी हो गई, उसके बाद सर का सख्त आदेश मिला। ऐसे इधर पूरा एनसीआर में धीरे धीरे आगे वो घटना वगैरह शुरू हो रहा है। लोग आ करके ही मैं इमीडिएटली बताया, पूरा डिस्ट्रिक्ट में मैं नोट कर दिया 1700 लुटेरा है। इसी में 159 लुटेरा एक्टिव है। लास्ट ऐसे 15 महीने में जेल से भाग रहा है। उन्हीं लोगों का सूची थाना का भेजा, इमीडिएटली चेकिंग शुरू हो गई। उसी चेकिंग में सिकंदराबाद थाना एरिया में ऐसे दो अलग अलग केस में हम लोग का सफलता मिला। ये केस में तीन लोग अरेस्ट हो गई, ऐसे सुनील, प्रशांत, सनोज, ये तीन लोग अरेस्ट हो गई। इन्हीं लोग से ऐसे 7 तमंचा, 15 कारतूस रिकवर हो गई। ये लोग ऐसे उधर सुल्तानपुर तिराहे हैं, उसी एरिया में चेकिंग में पकड़ा। दूसरा केस में एक शाहिद है, ये ऐसे बहुत ज़्यादा केस इनका ऑलरेडी है, 6 केस में ऑलरेडी बेल में है। ये लुटेरा है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, ऑलरेडी आर्म्स एक्ट में गए थे, दिल्ली में भी ये केस में जेल में गए थे। कोतवाली का रहने वाला है ये। मुखबिर के अनुसार इनका जानकारी मिला, उनका हम लोकेट करके चेक करने के समय इनका भी पकड़ा। इन्हीं से ऐसे 2 पिस्टल, एक ऐसे वो तमंचा है, एक एयर गन, ऐसे 8 कारतूस, एक ये भी मिला इनसे, एक डबल बैरल गन भी मिला, ज़्यादा कारतूस वगैरह। हम लोग ये कोशिश कर दिया, मतलब ये ऐसे इधर उधर मिल करके कोई सप्लाई कर रहा है क्या, ऐसे ऐसे एंगल में ज़्यादा पूछताछ हो गई। हम लोग का कुछ लीड भी मिल रहा है अदर डिस्ट्रिक्ट का, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से कहा इनका सप्लाई हो रहा है, वो लीड भी मिल रहा है। अभी हम इनका वो 24 घंटे के अंदर जेल भेजना इसलिए भेज रहा है, आगे PCR ले लेंगे इन लोग से। इसी में इंग्लिश में बोलता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंक्स, कहाँ से इनका मिला रहा है, अगर भेज रहा है कहाँ भेज रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में क्यों रखा है, ये पूरा हमका कुछ अभी लीड तो नहीं है सर, बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। वो ये ऐसे ये है सनोज, इनका ऑलरेडी कोई झगड़ा है, ये कर सकते हैं, इतना असला रखा है, ये ऑलरेडी लूटे रहा है, इधर उधर हो रहा है, वो घटना में यूज करने के लिए। इलेक्शन का पीरियड आने वाला है तो क्या ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऑन डिमांड ये सप्लाई करते हो और इन जो हथियार बरामद हुए हैं या और हथियार आने वाले? संभावना है, मना नहीं कर सकते हैं, संभावना है, मना नहीं कर सकते हैं, वो पूरी जांच में आएंगे, इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। इन लोग का हम PCR अप्लाई करेंगे, सभी को कस्टडी में, एक शब्द कस्टडी के लिए पूछेंगे हम। सर, एक आरोपी पर तो पहले भी मुकदमे आप खुद ही बता रहे हैं, तो बाकी जो आरोपी पकड़े पहले जेल गए हैं किसी तरह के? उन्होंने इसमें 2, ये पूरा केस ये है शाहिद का ऑलरेडी 6 केस है। हाँ। आप लोगों का उसमें नहीं है, मैं दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ये नोट करने में लेट हो गई। इसी में दूसरा वो सनोज है, सनोज का 307 का केस है। वो रिमेनिंग 2 लोग ऐसे सुनील, प्रशांत, ये पहली बार मिल रहा है, पूरा चेक करेंगे, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मैं पूरा यूपी का चेक करूंगा। दूसरा जांच में ये पता चल सका कि बुलंदशहर से ही हथियार खरीद रहे हैं, बाहर जनपद से कहीं हथियार, बाहर से खरीदने का जानकारी है, इधर कोई फैक्ट्री टाइप में हमारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हम अभी ये जानकारी मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, क्यों आगे हम लोग का उनका पकड़ना है, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जानकारी है उसी एंगल में हम देखेंगे वो पकड़ने के लिए। आप लोग का ऐसे एक शब्द के अंदर एक और दिन बुला करके उन्हीं का भी आपके सामने पुटअप करने के लिए। आखिरी सवाल है कि ये अभी जल्दी में हथियार खरीदे गए या पहले से ये लोग हथियार रखे हुए हैं? ये पहले से ही रखा, काफी पहले से। आप इलेक्शन एंगल का पूछ रहा है, वो इसके खिलाफ होगा, लेकिन पहले से ये लोग रखा है। कोई ऐसे आप सुरक्षा बताया कुछ इश्यू में कोई घटना करने के लिए ये लोग इकट्ठा करके रखा है। ठीक है सर, थैंक यू। जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बीती रात किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे चार शातिर लुटेरों को किया है गिरफ्तार।
जिनके कब्जे से 8 तमंचे, 2 पिस्टल, 1 बंदूक हुई बरामद, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस इनका अपराधी की इतिहास खोज रही है, वहीं किस बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे इसकी भी जानकारी कर रही है। कैमरामैन जाकिर अंसारी के साथ रिजवान बुलंदशहर, CMN न्यूज़।